तो आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एग्री न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ महक। आज जिले के मतदान केंद्रों के लिए जनपद पंचायत नीमच में निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 4, 5 और 6 के लिए सामग्री वितरण की गई और इस दौरान सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के तहत प्रथम चरण का मतदान नीमच विकास खंड का 25 जून 2022 को संपन्न होगा। उक्त निर्वाचन संपन्न कराने के लिए जावद और मनासा विकास खंड के विभिन्न स्थानों से मतदान दल सदस्यों के परिवहन सुविधा के लिए कलेक्टर मयंक अग्रवाल द्वारा 24 जून 2022 को सिंगौली, रामपुरा, मनासा और जावद से नीमच सामग्री प्राप्ति स्थल तक पहुँचने हेतु निःशुल्क वाहनों की व्यवस्था की गयी थी। मतदान दल के सदस्य इन वाहनों से 24 जून 2022 को प्रातः 6 बजे सामग्री वितरण स्थल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीमच पर पहुंचना सुनिश्चित किया गया था, जहां जिले मतदान केंद्रों के लिए जनपद पंचायत नीमच में निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 4, 5 और 6 के लिए सामग्री वितरण की गई। इस दौरान चुनाव सामग्री वितरण स्थल पर कलेक्टर, एसपी, एडीएम नेहा मीणा, जिला पंचायत सीईओ गुरुप्रसाद सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सामग्री वितरण के पश्चात पुलिस बल और मतदान केंद्रों पर तैनात दल चुनाव सामग्री के साथ सुनिश्चित किए गए वाहनों के माध्यम से 25 जून को होने वाले प्रथम चरण के चुनाव के लिए मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। वहीं एसडीएम ममता खेड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी मतदान दलों को सामग्री वितरण की जा चुकी है और 48 रूटों पर जाने वाले वाहनों के माध्यम से सभी मतदान दल मतदान सामग्री लेकर रवाना हो चुके हैं। सेक्टर ऑफिसरों की आवश्यक बैठक ली गई है, उन्हें दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर भी पुलिस टुकड़ियां सभी मतदान दलों के साथ मौजूद है जो मतदान केंद्रों पर ड्यूटी देंगे। जी हाँ, तैयारियाँ पूर्ण हो चुकी हैं और हमारे मतदान दल और बसों की रवानगी 11 बजे पूर्ण हो गई थी। सभी 48 रूटों की गाड़ियाँ यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। अधिकांश लोग मतदान दलों अपने मतदान केंद्रों पर पहुँच भी गए होंगे। नहीं, सभी दल पूरी व्यवस्था के साथ पुलिस बल साथ में लेके सभी असेंबल होके चले गए हैं। कोई भी सिंगल पार्टी अभी नहीं बची है, सिर्फ जो हमारे सेक्टर ऑफिसर्स हैं जिनके साथ हमको रिजर्व दल देना रहता है वो लोग, अब उनकी ब्रीफिंग हो गई है, मीटिंग कंप्लीट हो गई है, वो लोग निकल रहे हैं। अब कोई भी पार्टी शेष नहीं है, सब लोग की रवानगी हो गई और अधिकांश लोग पहुँच रहे हैं। जो आयोग के सामान्य निर्देश हैं और जो व्यवहारिक चीज़ें हैं, जो निर्देशों के अनुकूल काम करने के जो निर्देश हैं वो वही उनको दिए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है और वहाँ चूँकि वो संवेदनशील होते हैं इसलिए अतिरिक्त बल लगाया गया है और हमारे अतिरिक्त जो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट हैं वो लगाए जा रहे हैं, जो निरंतर वहाँ भ्रमण करके और व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखेंगे। तो ये था अब तक का अपडेट। लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।